नमस्कार, किरण रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी की कचौड़ी। आइए देखते हैं सूजी की कचौड़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। 4-5 बड़े उबले हुए आलू और 1 कटोरा सूजी, 250 ग्राम सूजी ले लें। सूजी आप बारीक लें, अगर बारीक नहीं है तो उसको थोड़ा मिक्सी कर लें मोटी सूजी को। नमक स्वादानुसार, बारीक कटे हुए प्याज के पत्ते, उबले हुए मटर, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, चाहें तो आप अदरक और लहसुन को बारीक काट भी सकते हैं, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 2 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और पानी। आइए सूजी की कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कढ़ाई रख लें और गैस को ऑन कर लें। अब हम कढ़ाई में पानी डालेंगे। मैंने इस कटोरी से 1 कटोरी सूजी ली है, तो मैं इसी कटोरी से 2 कटोरी इसमें पानी डालूंगी। पानी चाहिए आप गर्म कर लें, उबाल लें। कटोरी, जितना आप सूजी लें उसका दुगना पानी डालें। जैसे आप 1 कटोरी आपने सूजी ली है तो इसी से 2 कटोरी आप पानी डालें। और पानी को उबलने दें। उसमें हम नमक डाल देंगे 1/2 चम्मच। और 1 छोटा चम्मच तेल पानी में डाल दें। और थोड़ा अजवाइन, चुटकी भर अजवाइन भी आप इसमें पानी में डाल दें। पानी को आप अच्छी तरीके से उबलने दें। अभी पानी हमारा उबल चुका अच्छी तरीके से। अब हम इसमें ये सूजी डालेंगे। और इसको हिला लें अच्छी से। और इसको इसमें तब तक पकाएं जब तक ये गाढ़ा हो जाए। आप देख सकते हैं इसका डो गाढ़ा होने लगा है। अच्छे से मिक्स कर लें इसको। गैस को अब हम बंद कर देंगे और इसको हिला लें थोड़ा। अब इस सूजी को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम इसकी कचौड़ियाँ बनाएंगे। जब तक हमारी सूजी ठंडी होती है तब तक हम उसका मसाला बना लेंगे। आप एक ऐसा बड़ा बाउल ले लें। इसमें आलू, आलू को अच्छी तरीके से मैश कर लें। और मटर, मटर भी उबली हुई है हमारी। अजवाइन, चाट मसाला, नमक आप स्वादानुसार डाल लें। लाल मिर्च पाउडर, प्याज के पत्ते हरे, अदरक और लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया,
हरी मिर्च बारीक काट लें। इन सबको डालकर आप अच्छे से मैश कर लें, मिला लें। ऐसे इसको आप मिला लें इनको। अभी हमारा कचौड़ी के अंदर भरने के लिए मसाला बिल्कुल तैयार है। अभी सूजी हमारी ठंडी हो चुकी है, आप इसको अच्छी तरीके से गूंथ लें बिल्कुल आटे की तरह। अभी बिल्कुल से तैयार हो चुका है कचौड़ी बनाने के लिए। आप देख लें इसी तरीके से आप इसको गूंथ लें अच्छी से। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे कचौड़ी जितनी बनाने के लिए। एक प्लेट ले लें, हाथ में आप हल्का सा तेल लगा लें ऐसे। इतने साइज का तोड़ के लोई को ध्यान रहे इस किनारे से फटे ना, इस साइज की आप सारी बना लें। इसी साइज की आप सारी लोई बनाकर तैयार कर लें। ऐसे सारे आप इस साइज के पेड़े बना लें। अब हम इनके अंदर मसाला भरेंगे। कचौड़ियों का मसाला हमने तैयार कर लिया था पहले। हाथ में फिर हल्का सा तेल लगा लें ऐसे और एक एक कचौड़ी को लेके इसको दबाएं हाथ से। ध्यान रखें किनारे से फटे ना। इस साइज की आप बना लें। इसके अंदर हम ये मसाला जो हमने बनाया है इसके अंदर डालेंगे। बहुत ज़्यादा भी ना भरें और बहुत कम भी ना, रख के इसको साइड से धीरे धीरे फोल्ड करेंगे ऐसे। ऐसे बिल्कुल आप बंद कर लें। ध्यान रहे कहीं से खुला ना हो और उसको हल्के हाथ से ऐसे दबा लेंगे कचौड़ी के शेप की। इसको हम बना लेंगे ऐसे। ऐसी आप सारी कचौड़ियाँ बना लें। हल्का हाथ में तेल लगा के इसको हथेली में रख के ऐसे दबाएंगे। और उसके अंदर ही मसाला भर के इसको धीरे धीरे साइड से ऐसे फोल्ड कर देंगे। हल्के हल्के हाथ से आप इसको फोल्ड करें। यहाँ पर आप इसको बिल्कुल बंद कर दें ऐसे। ये खुला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर जब हम इसको तलेंगे तो ये सब बाहर निकल आएगा इसका मसाला। ऐसे आप सारी कचौड़ियाँ तैयार कर लें। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। तेल हमने गरम करने रख दिया है। कढ़ाई में तेल ले लिया हमने, इसे हमने पहले से ही गरम कर लिया है। तेल को आप अच्छी तरीके से गरम होने दें। उसमें फिर हम ये कचौड़ियाँ डालेंगे एक एक करके। धीरे से आप इनमें एक एक कचौड़ी डालें। और इनको अच्छी तरीके से तल लें। बीच बीच
में हिला लें इनको। बिल्कुल धीरे से आप इनको हिलाएं ताकि कचिन पे लगे ना। अब इनको पलट देंगे। आराम से पलटे इन्हें। इस बात का ध्यान रखें कि करसी इसमें बिल्कुल ना लगे। अगर करसी लगेगी तो इनका मसाला हमारा बिल्कुल बाहर आ जाएगा तेल में। अब हम इनको दोनों तरफ अच्छी तरीके से सेक लेंगे। तब तक हम इनको तलेंगे जब तक कि बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं कचौड़ियां दोनों तरफ अच्छी तरीके से सिक चुकी हैं, बिल्कुल ब्राउन हो गई हैं। प्लेट में निकाल लेंगे। एक प्लेट ले लें ऐसे, उनको इस तरीके से किनारे में करके तेल का निकाल लें अच्छी से। उसके बाद हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे आप प्लेट में निकाल लें इनको कचौड़ियों को। सूजी की कचौड़ी बनके बिल्कुल तैयार है। आप इनको जरूर बनाएं। आप इनको हरी चटनी या टोमेटो सॉस के साथ ले सकते हैं। आप इनको नाश्ते में बना सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। अब हम ये कचौड़ी को काट के देख लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। और अधिक रेसिपी जानने के लिए आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप अपना अनुभव किरण की रेसिपी पर शेयर करना ना भूलें।